गंजापन एक विकट समस्या है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमें शर्मिंदा कर देता है। ज्यादातर ये समस्या आपने उम्रदराज लोगों में देखी होगी, पर यह समस्या अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। खानपान की खराब नीति महिलाओं और पुरुषों को गंजापन का शिकार बनाती है। बाल खम होने पर व्यक्ति जल्द बूढ़ा लगने लगता है। आजकल कई वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल तकनीक, लेजर ट्रीटमेंट और हेयर व्यूविंग आ गए हैं, जिससे गंजापन का उपचार किया जा सकता है। इन सभी विधियों में हेयर ट्रांसप्लांटेशन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ये विधि अन्य के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और आसान भी है। पिछले दिनों में वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए एक प्रयोग से पता लगाया कि गंजेपन का इलाज जीन आधारित थेरेपी से भी संभव है। साथ ही उन्होंने ऐसे जीन का भी पता लगाया जो बालों को झड़ने से रोकता है। लेकिन हम आपको घरेलू विधि द्वारा गंजापन से निजात दिलाने का तरीका बताएंगे। दही और मेथी का प्रयोग द्वारा गंजापन से निजात। जी हाँ, गंजेपन के उपचार में मेथी बहुत फायदेमंद साबित होती है। मेथी को एक रात पानी में भिगोने के बाद इसे दही में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद मेथी और दही के पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाइए। इसे करीब एक घंटे तक लगा रहने दे। ऐसा करने से बालों की जड़ों में मौजूद रूसी कम होगी और सिर की त्वचा में नमी आ जाएगी, जिससे आपको गंजेपन से निजात मिल सकती है। दरअसल मेथी में निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, जो बाल को मजबूती प्रदान करता है और उन्हें पोषण देता है। उड़द की दाल का पेस्ट। जी हाँ, आपको ये करना है कि उड़द की दाल बिना छिलके वाली ले लीजिए और फिर उसे उबालकर पीस लीजिए। रात को सोने से पहले इस लेप को बालों की जड़ों में लगाइए। कपड़ा गंदा ना हो, इसके लिए सिर पर तौलिए को बांध लीजिए। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करने से बाल दोबारा उगने लगते हैं और गंजापन कम हो जाता है। ऐसा करके देखिए, इन सभी उपायों से आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा और आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः वापस लौट आएगा। नेक्स्ट 9 क्यूरियन हेल्पडेस्क की रिपोर्ट।